यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वंस, ट्वाइस, ओके। आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ईयरली, मंथली, मंथली, ओके। आप यूज़ कर सकते हैं आई पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउ ऑफ्टन, मंथली, आई मंथली पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके। तो इस तरीके से ये, हालांकि मंथली काम हो रहा है, देखिए आप ये, ओके। तभी भी आप V1, क्योंकि ये हमेशा का काम है, इसको जहन में रखिए, हमेशा का काम है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मिलेगा, हमेशा का काम, ओके, ऑल द टाइम, ये कभी भी, हमेशा, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, जनरली, समटाइम्स, ओके। समटाइम्स आई टेक टी, ओके, एंड समटाइम्स आई टेक कॉफी, या आई ऑफ्टन गो टू जू टू एंजॉय द नेचर। तो ऑफ्टन, अकेजनली, आई अकेजनली अटेंड द पार्टीज, ओके। आई रेगुलरली टेक द क्लासेस, ओके। तो ये पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप इसको यूज करें। आप इसका क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे आप? सिंपल, आप यूज करिए वर्ड्स लाइक डू, डू आई प्ले, डू यू प्ले, डू यू सिट ऑल द टाइम ऑन द बैक, आप यूज कर सकते हैं, डू यू स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके। आप यूज कर सकते हैं, डू दे लाई ऑन द सोफा, लेकिन ही शी इट के लिए आप डू नहीं यूज करेंगे, बल्कि आप डज यूज करेंगे। डज ही टेक, यहां पर टेक्स नहीं आएगा, डज आ गया तो अब यहां पर टेक्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको सिंगुलर बना चुके हैं, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, तो डज ही टेक टी, ओके। आप शी के साथ, डज शी कुक, ओके, डज शी बाई द वेस्ट स्टफ ऑल द टाइम, ओके। इसका नेगेटिव आंसर कैसे देंगे आप? नेगेटिव आंसर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये वर्ड्स को भी आप यूज कर सकते हैं, कौन से, वाई, वेयर, ओके, व्हेन एंड हाउ। आप जस्ट यहाँ पे, ये क्वेश्चन फॉर्मेट है, याद रखिए आप ये, डू आई प्ले, यही क्वेश्चन फॉर्मेट है। एक्चुअली क्वेश्चंस में भी दो होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप ये क्या करिए, हाउ यहाँ रखिए, हाउ, हाउ डू आई प्ले, वेयर डू यू सिट, व्हाई डू यू स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके, एंड व्हेन डू दे लाई। इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, इसके आंसर्स आप डू, यहाँ पर ये जब यूज करेंगे तो आप ये यस आर नो में नहीं चलेगा, इसके लिए आपको एक आंसर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू प्ले, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड, ओके। अच्छा, अब जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या करना है आपको, नेगेटिव आंसर कैसे बनाएंगे, आई डोंट प्ले, देखिए ये डू और नॉट पहले आएगा, डू नॉट बोले या डोंट बोले आप, ओके, फर्स्ट ऑफ इट, ओके, डोंट प्ले, आई डोंट प्ले, आई डोंट प्ले क्रिकेट, ओके। डू यू सिट, आप बोलिए कि यस, ओके, मैं ऑलरेडी आई यूज कर, ओके, यू डोंट सिट, यू डोंट सिट, ओके, प्रॉपरली। यहाँ पर डू वी स्लीप, नो, वी डोंट, वी डोंट स्लीप, ओके, डन, ओके। डू दे लाई, नो, दे डोंट लाई, ओके। डज ही टेक, नो, ही डजंट, देखिए डजंट ऐसे यूज करेंगे आप, डजंट, आ डज नॉट, ही डज नॉट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी। इस तरह से पूरा आपको प्रैक्टिस करना है, एक ही वर्ड नहीं, और भी वर्ड्स यूज करना है, डेली जो आप काम करते हैं उसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि आई डोंट यूज सेल फोन ऑल द टाइम, आई डोंट यूज फ्रीक्वेंटली, आई डोंट यूज सेल फोन ऑफ्टन, कुछ भी आप सेंटेंसेस बनाइए, बट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है इसकी, तभी इसके ऊपर आप कमांड मिलेगा। नाउ
अब ये तो थे एक्शन वर्ड्स जिसका आप ये बी मीन्स थ्री वर्ड्स व्हाट एम इज एंड आर, ये थ्री वर्ड्स का मतलब है कि बी, ठीक है। आई हमेशा के साथ आप आई के साथ एम यूज करेंगे, ही शी इट के साथ इज यूज करेंगे आप, दे यू और वी जो है ना आपके आर के साथ यूज करेंगे आप। चलिए अब आई एम ये एक सेंटेंस हो गया, जैसे यहां था एक सेंटेंस आई गो एक सेंटेंस हो गया ये। अब वेयर टू स्कूल टू मार्केट, इसी तरीके से यहां भी देखिए आई है गो है, यहां आई है एम है, ये एम मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब अलग आएगा वो। आई एम ये सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है ये, लेकिन गो यहाँ पे मीनिंग तो दे रहा है। ओके समझ में आता, गो जाना, ओके और कहाँ जाना है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आई एम क्लियर नहीं है, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, फेल ए नाकिस, सेंटेंस तो है ये लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो अब कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको या तो नाउन यूज़ करना पड़ेगा या एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा या एडवर्ब यूज़ करना पड़ेगा, ओके या आपके इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आई एम टू गो, आई एम टू विजिट, आई एम टू सिट, ये जो इन्फिनेटिव है ये। वैसी कोई एक आई एम अ टीचर, यू आर ए डॉक्टर, ओके ही इज़ ए बिजनेस मैन, कोई एक नाउन यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा तभी जाके ये, जैसा कि आई एम अ टीचर, अब ये जो टीचर है ये नाउन, आई एम अ टीचर ये नाउन है, ये नाउन किसको बता रहा है, आई को बता रहा है, आई एम अ टीचर, क्लियर। तो अगर आप टीचर ना लिखें तो आई एम वेस्ट हो गया। अब इसको ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ओके तो यानी कंप्लीट कर रहा है, ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, ये ग्रामेटिकल जो है ना कंस्ट्रक्शन से वो टर्मिनोलॉजी है, ओके बेटर अवॉइड इट, ओके। स्पोकन इंग्लिश के लिए ये ज़रूरी नहीं है याद करना, ये स्टेट यू ये वो, ओके तो अब स्टेट यू हालत को बताना, अब ये हालत है मेरी, क्या हालत है, क्या पोजीशन है कि आई एम अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ स्टेरियोटाइप, ओके। चलिए अब एक मैं एडजेक्टिव यूज़ किया यहाँ पे, स्टेरियोटाइप, नॉट विलिंग टू चेंज, वो पुराना जो चल रहा चलना दो, ओके और भी बहुत सारे में बहुत वास्ट चाहिए, ओके। दे आर एनर्जेटिक, दे आर एनर्जेटिक, देखिए एक और मैं एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ किया हूँ, दे आर एनर्जेटिक। आप यहाँ पर वी थ्री फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि शी इज आप डिलाइटेड, शी इज डिलाइटेड, डिलाइटेड, शी इज डिलाइटेड, ओके। आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे यू आर एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड, ओके। वी थ्री फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आई एन जी फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस बन रहा, देखिए हमेशा बुक देखेंगे तो ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, आई एम अ टीचर, ओके, आई गो टू स्कूल, तो दे आर एनर्जेटिक, ओके, दे आर गुड गाइस, दे आर एनर्जेटिक, ओके। आप शी इज डिलाइटेड, वो बहुत खुश है, ओके। कोई भी यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करिए, सेंटेंस समझ में आ गया आपको।